राजनाथ गांव के प्रगतिशील किसान संघ द्वारा 101 टन सब्जियां अयोध्या भेजी गई है। यह सब्जियां कार्यक्रम में प्रसाद के लिए भेजी गई है। राजनाथ गांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने बताया कि इसके पहले 30 टन चावल भेजा गया था और सभी वर्ग राम अयोध्या में स्थापित होने वाले बहुत प्रसन्न है और अपनी अपनी तरीकों से अयोध्या में अपने मदद भेज रहे हैं और इसका उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है। राजनाथ गांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हमारे जिले के प्रगतिशील किसानों के द्वारा 101 टन सब्जी 22 तारीख को जो रामलला जी अपने जन्म स्थल पे विराजित हो रहे हैं उस अवसर पर वहाँ बनने वाले भोजन के लिए यहाँ के हमारे प्रगतिशील किसानों ने यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इसी अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ से 300 टन जो है चावल, जो चावल के व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने चावल दिया, जिनके पास चावल है उन्होंने दिया। इसी प्रकार से जो लोग सब्जी की खेती करते हैं उन लोगों ने सब्जी देने का काम किया है। हर एक आदमी का अपना अपना योगदान 22 तारीख के लिए है, चाहे वो अयोध्या भेजने के लिए हो, चाहे अपने राजनांदगांव में अन्य तरीके के आयोजन के लिए हो। उस दिन